तो हमारा तीसरा करेक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन ड्यू टू स्लोप। हम लोगों को इस करेक्शन ड्यू टू स्लोप में और भी डिस्कशन करना है, जो हमारा फार्मूला पेंडिंग था अभी, एच स्क्वेयर बाई टू एल वाला फार्मूला, दैट इज करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। तो ये याद हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, स्लोप वाला करेक्शन इज लाइक वाइज अलाइनमेंट वाला करेक्शन। मान लीजिए एच मेरी ये वैल्यू है, आपकी एल मेरी ये लेंथ। दो प्रकार के केस हो सकते हैं, एक तो हमें राइज इन ग्रेडियंट दे रखा हो, एक हमें स्लोप दे रखा हो, थीटा दे रखा हो। दो चीजें हो सकती हैं, थीटा। ये बात तो श्योर है कि लेंथ ट्रेवल्ड विल बी मोर, तो करेक्शन विल बी नेगेटिव। मतलब एरर जो आपका वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो करेक्शन आपका हमेशा नेगेटिव होगा, ये तो गारंटी है। अब जो करेक्शन जो नेगेटिव होगा वो कितना होगा, ये हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये बात तो श्योर है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, गलत तो ये एल है फिलहाल में, सही तो ये होता एल माइनस। अगर ये एल है और ये एच है तो ये कितना होगा जी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो माइनस के अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और अगर मैं थीटा को कंसीडर करता हूं तो एल माइनस, तो ये कितना होगा, ये एल है तो ये थीटा, ये कितना होगा एल कोस थीटा, एल माइनस एल कोस थीटा। तो दो फार्मूलाज बनेंगे हमारा करेक्शन ड्यू टू स्लोप का। तो एल माइनस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की पावर आधी। और ये तो सेव हो गया फार्मूला, एल मैंने कॉमन ले लिया, वन माइनस कोस थीटा, बस यही फार्मूला बनता है आपका। और अगर आप वन माइनस कोस टू थीटा की बात करेंगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वैल्यू हो जाएगी टू एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये भी फार्मूला आपका हो सकता है। यहां से अगर मैं सॉल्यूशन निकालता हूं तो यहां से आप पहले पावर आधी में से पहले एल स्क्वायर बाहर निकालिए, एल माइनस पावर में से निकालेंगे तो पहले एल बाहर आएगा, अब बिकॉज अंदर आपका अंडर रूट है, वन माइनस एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर आधी। आप लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दीजिए, एल माइनस एल वन माइनस पावर आगे आ जाती है, फार्मूला होता है वन माइनस एक्स की पावर एन, फार्मूला होता है वन माइनस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन। हम लोगों को हाइयर ऑर्डर टर्म्स के ऊपर जाना नहीं है, तो पावर आगे आ गई, वन बाई टू एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एन स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू, एंड ये वैल्यू तो एज इट इज एक्स स्क्वायर एच की पावर फोर बाई एल टू की पावर फोर माइनस टू सो ऑन। ओके, तो हम लोगों का इस पूरे को सॉल्यूशन करते हैं। हम लोगों का सेकंड केस आया, इसी में अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं, बराबर है एल माइनस, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एल प्लस एच स्क्वायर बाई टू एल, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एच की पावर फोर बाई एट एल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, एल से एल कैंसिल आउट, तो वैल्यू बची एच स्क्वायर बाई टू एल माइनस एच की पावर फोर बाई एट एल क्यूब। आपका कई एग्जाम्स का क्वेश्चन आता है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो है वो एच स्क्वायर बाई टू एल अमाउंट से कितनी ज्यादा होती है, तो अमाउंट आंसर आपका होता है एच की पावर फोर बाई एट एल क्यूब। बट इस वैल्यू को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल इफ अगर आपके स्लोप्स आर फ्लैटर देन वन इन 25। अगर एक इन 25 से फ्लैट है, फ्लैट का मतलब ज्यादा फ्लैट होते जे लगे, वन इन 30, वन इन 40, वन इन 50, तो उस टाइप पर इस वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो यही हमारा वो डेरिवेशन था एच स्क्वायर बाई टू एल वाला केस। करेक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगी, एरर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि लेंथ ट्रेवल्ड विल बी मोर, इसलिए हम लोग ने ये डेरिवेशन किया है। इनके सबके न्यूमेरिकल्स बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा फोर्थ आता है
दैट इज कॉल्ड एज द करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर. करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर. फोर्थ वन इज आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ी होंगी. उन टेम्परेचर या थर्मल स्ट्रेसेस में हमारा फार्मूला होता था L alpha T. तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर आपका फार्मूला जिस लेंथ पे आपको लगानी है, जो आपका कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ये वैल्यू आपको गिवन रहती है. कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो भी टेम्परेचर का चेंज है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट माइनस टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. टेम्परेचर एट टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस टाइम पर, एंड टी नॉट टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. अब डिपेंड करता है ये गैप जो है, ये डिफरेंस जो है, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा. तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर जो है, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. पांचवा इंच करेक्शन ड्यू टू पुल. करेक्शन ड्यू टू जो पुल होती है आपकी, वो होती है, आप लोगों ने सोम के अंदर ही फार्मूला पढ़ रखा है एक्सियल डिफ्लेक्शन का, PL/AE. तो ही फार्मूला यहीं पर लगना है. चेंज इन पुल, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट माइनस पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये जिस लेंथ पे लगाना है, जो एरिया ऑफ टेप है, जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप है जो भी, या फिर चेन है जो भी आपकी, ठीक है ना. ये भी रीजन, ये भी आपका करेक्शन ड्यू टू पुल भी आपका डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा. सिक्स्थ करेक्शन इज जो आपका छठवां करेक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन ड्यू टू सेग और सेग करेक्शन. सेग करेक्शन सिक्स्थ वन इज करेक्शन ड्यू टू सेग. मान लीजिए आपकी ये केबल है या फिर चेन है, आपको इस पॉइंट से सेक का मतलब लटकना होता है, लटका देना. आपने यहां तक जाना था, आप ये दूरी कम ट्रेवल करते हैं, अब ज्यादा ट्रेवलिंग कर रहे हो. आपने कोई ना कोई पुल लगाया PM, इधर भी आपने कोई ना कोई पुल लगाया PM, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट. तो ये लटक गई, जो ये अमाउंट होता है, ये होता है करेक्शन ड्यू टू सेक. करेक्शन ड्यू टू सेक, सेगिंग की वजह से जो ये एरर आया उसमें आपका क्या करेक्शन लगेगा. ऑब्वियस बात है, लेंथ ट्रेवल्ड ज्यादा होगी सेगिंग पोर्शन में भी, तो करेक्शन ड्यू टू सेग ऑलवेज नेगेटिव होती है फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस के लिए. करेक्शन ड्यू टू सेग ऑलवेज नेगेटिव होती है. जो आपका चेन का प्रोफाइल है, प्रोफाइल हमेशा आपका, प्रोफाइल इज एज्यूम टू बी पैराबोलिक. प्रोफाइल को पैराबोलिक एज्यूम किया जाता है, याद रखेंगे. डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, करेक्शन ड्यू टू सेग इज इक्वल टू, मान लीजिए ये इस प्रकार से बिहेव कर रहा है जैसे इसके ऊपर एक यूडीएल लगा हो. अगर इस चेन का लोग W किलोमीटर पर मीटर लेंथ है और L इसकी लेंथ तो है ही, तो फार्मूला इज WL स्क्वेयर L by 24 PM स्क्वेयर. आप लोग सोम के अंदर कैपिटल W को कैसे लिखते हैं, UDL को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, तो कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल W इंटू L, एंड L 24 PM स्क्वेयर. ये आपका हो गया करेक्शन ड्यू टू सेग. लेकिन एनालिसिस करना, आपका चेन का एनालिसिस करना, इकट्ठा चेन का एनालिसिस करना, इससे मोर डिफिकल्ट. तो कई बार सेगमेंट्स में एनालिसिस किया जाता है,
एग्जाम्पल इज केवल सस्पेंशन ब्रिजेस, एग्जाम्पल इज राम झूला लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, एग्जाम्पल इज आपका हावड़ा ब्रिज कैलकटा। तो आपका सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्ट्स में डिवाइड करके तब चेन को एनालाइज किया जाता है। तो अगर मैं बात बोलता हूं इफ चेन इज सस्पेंडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स, एन बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूं, पार्ट्स इसकी हर एक की लेंथ एल वन ईच, जो आपने पार्ट्स बनाए हैं उसकी हर एक की लेंथ है एल वन। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या, कैपिटल एल जो है वो किसके बराबर हो गया, एन एल वन के बराबर हो गया, और एल वन बराबर है एल बाई एन के बराबर हो गया है। यहां पर तो करेक्शन ड्यू टू सेग डैश, एक पार्ट के लिए डैश वर्ड मैंने यूज किया, एक पार्ट के लिए, जैसे वहां पर L पूरे लेंथ के लिए था, यहां पर एक पार्ट के लिए L1 लेंथ आ जाएगी, W L1 स्क्वायर L1 24 PM स्क्वायर, ये एक पार्ट की वैल्यू आ गई। तो N पार्ट्स का अगर मैं कर दूं, इसको मैं N से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सारी लेंथ आ जाएगी, बात बराबर हो जाएगी। तो करेक्शन ड्यू टू सेग इज इक्वल टू N C सेग डैश, मतलब N L1 W L1 square divided by 24 PM square, N L1 किसके बराबर बन गया जी, L के बराबर बन गया। तो यहां से मेरा C seg L W L1 W L1 L by N, तो L1 की जगह मैंने L by, मैंने N square put कर दिया, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, डिवाइडेड बाई 24 PM square। तो सोल्व करते हैं, और W इंटू एल कैपिटल W के बराबर आ चुका है, फॉर्मूला इज कैपिटल W स्क्वेयर L बाई 24 N स्क्वेयर PM स्क्वेयर। C sec का फॉर्मूला आ गया। अगर आप इसको सस्पेंडेड पार्ट्स में सोल्व करते हैं, तो सस्पेंडेड पार्ट्स में अगर सोल्व करते हैं तो ये करेक्शन ड्यू टू सेग हो गई आपकी। ओके, नाउ सेवंथ करेक्शन से पहले हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करना है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल टेंशन। देखिएगा, हम लोगों की सेगिंग हुई तो किसकी वजह से हुई, हमने उसको लटकाया मतलब खींचा, कम खींचा तो सेग हुआ, और हमने ज्यादा खींचा तो पॉजिटिव पुल करेक्शन हुआ। तो हम लोगों को एक ऐसी वैल्यू ऑफ पुल निकालनी है जिसके ऊपर ना तो सेग करेक्शन जनरेट हो, ना तो आपका पुल करेक्शन जनरेट हो, उस वैल्यू को नॉर्मल टेंशन बोलते हैं, उस वैल्यू ऑफ पुल को नॉर्मल टेंशन बोलते हैं, नॉर्मल पुल बोलते हैं। तो वन फंडामेंटल इज नॉर्मल टेंशन, बेसिकली द वैल्यू ऑफ पुल फॉर विच नेगेटिव सी सेग इज इक्वल टू हो जाए पॉजिटिव सी पुल के। कहने का मीनिंग आपका डब्ल्यू एल होल स्क्वेयर एल बाई 24 पी एम स्क्वेयर बराबर किसके हो जाए जी, बराबर आपका हो जाए पी एम माइनस पी नॉट एल बाई ए। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से सोल्व कर सकते हैं, सोल्व बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, जो भी वैल्यू पीएम की देगा दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल टेंशन वैल्यू, जो भी वैल्यू पीएम की आएगी वही वैल्यू आपकी नॉर्मल टेंशन की वैल्यू होगी, ये बात आप लोग याद रखेंगे। हम लोगों की सेवंथ करेक्शन जो बचती है दैट इज करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। अगर हम
अपने आप को मेनसी लेवल पे रिड्यूस कर लें। अगर हमारा लेवल ऑब्वियस बात है हर एक जगह पे लिखा रहता है, हर एक रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है समुंदर तल से ऊंचाई, ऑब्वियस बात है समुंदर तल हमारा नीचे है, हम ऊपर है। अगर हम अपने आप को समुंदर तल पे मान लें तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा ना। तो नीचे जाना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेक्शन हमें लोगों को लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन टू रिडक्शन टू मेन सी लेवल। देखते हैं सेवंथ करेक्शन इज करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू मेन सी लेवल MSL मेन सी लेवल। जनरली क्या होता है अर्थ सरफेस कुछ इस प्रकार का है, यह आपका मेन सी लेवल है, कर्ड अर्थ सरफेस की बात तो बता चुका हूं आपको। एंड ऑब्वियस बात है अर्थ सरफेस कुछ इस प्रकार का, ये आपका सेंटर या सेंटर ऑफ अर्थ सरफेस है। तो हम लोग इससे मेन सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर हैं तो हम लोगों के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मान लीजिए हमारी दूरी किसी पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे किन्हीं दो पॉइंट के बीच में दूरी एल है और मीन सी लेवल पे उन दो पॉइंट के बीच में दूरी डी है, क्योंकि घटेगा ना वैल्यू। तो लेट अस सपोज दैट ये रेडियस आर, रेडियस आर हम उससे एच दूरी पे ऊपर हैं, एच दूरी पे ऊपर हैं। मान लीजिए अर्थ सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, तो हम ज्यादा दूरी को कम कर रहे हैं, ज्यादा दूरी में से कम कर रहे हैं, मतलब ज्यादा दूरी को हम कम लिख रहे हैं। तो करेक्शन हमेशा कैसा होगा, करेक्शन तो हमेशा नहीं, हमें ज्यादा में से कम प्राप्त करना है तो ज्यादा में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल जो होती है ये हमेशा नेगेटिव होता है, बिकॉज आई हैव टू डिडक्ट समथिंग टू गेट सम लेस वैल्यू फ्रॉम मोर वैल्यू। मैंने मुझको कुछ ना कुछ वैल्यू घटानी पड़ेगी ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू प्राप्त करने के लिए, अगर आपको करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल की वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। तो एक बात होती है द मेजर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शुड बी रिड्यूस्ड टू डिस्टेंस एट मीन सी लेवल विच इज कॉल्ड एज जियोडेटिक डिस्टेंस। याद रखिए जिसको बोला जाता है जी जियोडेटिक डिस्टेंस। यहां से थीटा जो मेरा है वो किसके बराबर होगा जी, डी बाई आर के या एल बाई आर प्लस एच के, डी बाई आर या एल बाई आर प्लस एच, आर अपॉन रेडियस। तो यहां से मैंने डी की वैल्यू निकाली, डी किसके बराबर आया जी, एल इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच के। और यू कैन से यहां से मेरा डब्ल्यू डी आया एल इंटू आर, और नीचे से मैंने आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, वन प्लस एच बाई आर, आर से आर कैंसिल आउट। इसके पावर में माइनस वन लिख दो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, एन इंटू वन प्लस एच बाई आर की पावर माइनस वन, तो वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन बाइनोमियल एक्सप्रेशन फिर एक्सपेंड कर दीजिए, एल इंटू वन माइनस पावर आगे, और हमें हाइयर ऑर्डर टर्म्स का कुछ करना नहीं है वो नेग्लेक्ट कर दिया, तो वैल्यू बन गई एल माइनस एल एच बाई आर की। और ये तो श्योर है करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल किसके बराबर होगी, एल माइनस डी, तभी तो करेक्शन लगेगी एल माइनस डी, क्योंकि गलत ये है सही ये है। अगर हमें अपने आप को मीन सी लेवल पर रिड्यूस करना है तो गलत माइनस सही, एल माइनस और डी कितना आ चुका है, एल माइनस एल एच बाई आर आ चुका है, माइनस एल प्लस एल एच बाई आर, एल से एल कैंसिल आउट, तो एल एच बाई आर इज द करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। नोट कीजिए करके चलते हैं, हमेशा नेगेटिव होगा याद रखेंगे, ये हमेशा आपका नेगेटिव होगा। हाँ जी, तो हम लोगों का एक छोटा सा आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज कॉल्ड एज चेन लाइन, फील्ड बुक वगैरह।
फील्ड बुक डिस्कशन नहीं किया था, फील्ड बुक जो है वो आपका डिस्कशन नहीं किया था। जिसमें हमारी एंट्रीज मार्क की जाती हैं, हम लोग चेन सर्वे करके आ रहे, टेप सर्वे करके आ रहे हैं, तो फील्ड बुक में हमारी एंट्रीज को मार्क किया जाता है। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसका साइज जो होता है वो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 12 सेंटीमीटर की एक फील्ड बुक होती है। द बुक इन विच टेप मेजरमेंट्स आर एंटर्ड, उसको हम बोलते हैं फील्ड बुक। जनरली ये फील्ड बुक जो है ये आपकी दो प्रकार की होती है। वन इज कॉल्ड एज द, जिस बुक के पेज में केवल एक लाइन हो, सॉरी सिंगल लाइन फील्ड बुक, जिस बुक के पेज में दो लाइन्स हो, डबल लाइन फील्ड बुक, डबल लाइन फील्ड बुक मोर डिटेल्ड यूज्ड फॉर, अगर आपको ज्यादा डेप्थ में काम करना है, ज्यादा एक्यूरेट वर्क करना है, तो मोर डिटेल्ड वर्क के लिए ये काम आती है, ऑर्डिनरी वर्क के लिए ये काम आती है। यूज्ड फॉर मोर डिटेल्ड डायमेंशन वर्क, यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी वर्क, ऑर्डिनरी वर्क के लिए ये काम आती है डबल लाइन फील्ड बुक। ये था आपका अबाउट द फील्ड बुक। नाउ आपका दूसरा नोट आता है, हमारा ये आर्टिकल चलेगा अभी, ऑफसेट। जनरली मैं जिस डायरेक्शन में काम करता हूं, मैं पहले बता चुका हूं, उस डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को लेटरल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। जो ऑफसेट होता है, मान लीजिए आपकी ये चेन लाइन है, आपने यहां पर अपना क्रॉस स्टाफ वगैरह रखा, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को आपको ड्राइंग शीट में प्लॉट करना है, तो यहां से यहां की जो दूरी है, डायरेक्शन तो मेरी ये जा रही थी, मेन सर्वे लाइन तो मेरी ये चल रही थी, मेन सर्वे लाइन तो मेरी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था मैं, लेकिन ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो लेटरल डायरेक्शन होगी, तो इसी को हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। लेटरल डिस्टेंस टू एनी ऑब्जेक्ट या एनी नेचुरल ग्राउंड फीचर, कोई भी हो सकता है आपकी, कोई भी पेड़ या फिर कोई भी पहाड़, नदी वगैरह, नेचुरल ग्राउंड फीचर को ऑफसेट बोला जाता है। पहली बात, अगर इस ऑफसेट का एंगल 90 डिग्री के बराबर ना हो विद रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन, तो इसको हम लोग ऑब्लिक ऑफसेट बोलते हैं। और अगर मान लीजिए हमने यहां से मेजरमेंट करनी है, सामने मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट या जनरली ऑफसेट बोलते हैं। बेसिकली जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट की लेंथ लिमिटेड होती है, तो दैट लेंथ इज कॉल्ड एज द अलाउएबल लेंथ, अलाउएबल लेंथ या मैक्सिमम लेंथ या लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन
जो अलाउेबल लेंथ होती है वो डिपेंड करती है किस किस के ऊपर। एक तो जो हम ये मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर कर रहे हैं क्रॉस स्टाफ से करेंगे, एक्चुअली ऑफसेट को सेटअप करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल इज ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो एक तो इसके ऊपर डिपेंड करता है मेथड ऑफ सेटिंग आउट द ऑफसेट, मेथड ऑफ सेटिंग आउट द ऑफसेट के ऊपर डिपेंड करता है। एक इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप लोगों ने स्केल एडॉप्ट कर रखा है। स्केल एडॉप्टेड क्या है, ग्राउंड कैसी है, नेचर ऑफ ग्राउंड आपकी कैसी है, नेचर ऑफ ग्राउंड आपकी कैसी है, आपको कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, आपको कितना एक्यूरेट चाहिए रिजल्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये चार पांच फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर आपकी अलाउेबल लेंथ डिपेंड करती है। अलाउेबल लेंथ को निकाला कैसे जाता है, मेन आर्टिकल इज लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस पार्टिकुलर यूनिट इज, उसके बाद इसका सारा न्यूमेरिकल पोर्शन बचता है, थोड़ा सा क्रॉस स्टाफ के बारे में बचता है, क्रॉस स्टाफ सर्वे के बारे में बचता है। अलाउेबल लेंथ ऑफ ऑफसेट, दो चीजें हो सकती हैं। अगर एरर आपकी केवल डायरेक्शन में होगी, मतलब डायरेक्शन, ये हालांकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल केस नहीं होता है भाई, अगर मैंने केवल डायरेक्शन चेंज की, भाई मेरे को जाना था सीधा, अगर मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा गया तो मेरे को लेंथ कम या ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि लेंथ के अंदर जो मैं ट्रेवलिंग करूंगा वो मेरी ट्रेवलिंग मैं नेग्लिजिबल मान लूं एक्चुअल लेंथ से, मतलब अगर मुझे 5 मीटर ट्रेवल करना था तो अभी भी मैं 5 मीटर ही ट्रेवल करूंगा, बेसिक मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये मैं मान के चल रहा हूं।